फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त आज आपको अपडेट देती हूँ अपने बैकयार्ड गार्डन की। तो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये टैंक है, इसके ऊपर हमने रखे हुए हैं कुछ गमले। इनमें से ये देखिए, ये है गजानिया। यहाँ पे धूप ठीक आती है, हाफ आधा दिन तक धूप आ जाती है। मेरे ख्याल 10-11 बजे से लेके शाम तक रहती है यहाँ पे धूप। और ये देखिए, ये है नास्टर्शियम। और ये हैं कितने सारे, देखिए पेंजी, ये देखिए। और इनमें ये है कि जैसे मैंने छत पे एक एक गमले में, किसी किसी गमले में दो पौध भी लगा दिए, लेकिन इन सब गमलों में ये सब बड़े हैं। देखिए ये तो 12 इंच के हैं। ये वाला पौधा देखिए आप, ये एक पौधा एक गमले में लगा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये एक पौधा है। ये इधर से भी दिखाऊं आपको, ये देखिए और कितना फैला है। देखिए अभी देखिए इनके, एक्चुअली ये देखिए अभी मैंने इनमें आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पेंजी में अभी मैंने डेड हेडिंग की है, ये सारे स्पेंट फ्लावर्स निकाले हैं। तो इसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए थे। देखिए ये, ये 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 सब अभी मैंने कम से कम 6-7 फ्लावर्स इसमें से अभी हटाए हैं, और इनमें से भी बहुत सारे हटाए हैं। तो ये भी एक ही पौधा है, ये वाला भी एक ही पौधा लगा हुआ है एक गमले में, ये भी एक है, सब एक एक हैं। ये भी देखिए, इसको इधर करती हूँ। देखिए ये देखिए, ये स्पेंट एक और हटाया, बहुत सारे स्पेंट फ्लावर्स अभी मैंने इनमें से हटाए हैं। और इसमें भी ये देखिए कितने सारे हटाए हैं, ये देखिए। और ये एक अभी खिल रहा है। और इनमें क्या होता है, ऐसी ये जो पत्तियां हैं इनको हटाते रहना चाहिए साथ के साथ हमें, ये जो ज़मीन में बहुत ज़्यादा टच कर रही हैं इस तरह की। ये देखिए ये वाला, ये साल्विया है। और साल्विया भी आप देखिए, एक गमले में एक पौधा लगा हुआ है। ये देखिए, छोटी छोटी पौध लगाई थी मैंने। ये देखिए, ये सिंगल है। ये देखिए, सब पौधों में ये सिंगल सिंगल साल्विया लगे हुए हैं। इनमें देखिए आपको, ये देखिए ये सिंगल सिंगल है, और कितने ब्रांचेस हो गई हैं इसमें, और कितने घने लग रहे हैं। और ऐसे देखिए, ये नास्टर्शियम में भी इस तरह से ये डेड हेडिंग जरूरी है। ये देखिए, अब नहीं करेंगे ना डेड हेडिंग तो क्या होता है, ये देखिए ये बीज बनने लग गए। और एक बार खूब सारे बीज अब बन जाएंगे ना, ये देखिए ये बीज बनने शुरू हो गए। अगर बीज बन जाएंगे, बनने ज़्यादा शुरू हो गए, तो फिर ये पौधा जो है वो बीज ही बनाने लग जाएगा, फिर ये नए उसमें से वो नहीं आएंगे, नई बर्ड्स नहीं निकलेंगी। तो ये इस टंकी के ऊपर रखे हुए हैं, यहाँ पे धूप मिलती है इनको। ये देखिए, ये पत्ता गोभी है, देखिए कितनी बड़ी बड़ी पत्ता गोभी हो गई। इसमें क्या है, कुछ तो ये क्या होता है वो हो जाता है। ये देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट है ना, नीचे पानी देते वक्त कुछ पत्तों पे आ जाती है। लेकिन कुछ मैंने अभी देखा, ये डाउट रह जाता है, लेकिन अभी मैंने देखा कि कुछ इनमें एफिड्स लगे हुए हैं। ये देखिए, सब्जियों में एफिड्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, ये एफिड्स ही हैं शायद। तो इनको अब मैं इन पर नीम ऑयल का स्प्रे करूँगी, या मैं जो छाछ होती है ना, खट्टी छाछ जो दूध की होती है, ज़्यादा खट्टी वाली जो छाछ होती है, उसका स्प्रे करने से भी ये मर जाते हैं ये एफिड्स वगैरह। तो मैं सोचती हूँ या तो वो कर दूँगी। छाछ आप एक बर्तन में ले लें, और उसमें कोई कॉपर की चीज़ डाल दें, तांबे का कुछ भी छोटा मोटा, जो पूजा का सामान कटोरियाँ कटारियाँ होती हैं, और एक हफ्ता दो हफ्ते पड़े रहने दें। फिर उसका जब आप स्प्रे करेंगे ना, तो उससे आपके कोई फंगस भी नहीं रहेगा, और कोई ये एफिड्स वगैरह भी हट जाते हैं। ये देखिए फूल गोभी, ये मैं एक्चुअली मैंने आपको रख दी दोबारा, ये मैंने पहले काट ली थी। ये देखिए, फिर मुझे लगा कि ये देखिए, ये यहाँ से ऐसे मैंने काट ली थी, फिर मुझे लगा कि आप लोगों को ऐसे ऐसे दिखाना चाहिए। तो ये इतनी बड़ी गोभी हो गई है, एक ये गोभी है। देखिए इसमें एफिड्स हो रहे हैं, अब ध्यान नहीं दे पाते कितनी काम रहते हैं। और ये देखिए, और फिर सब्जियां फर्स्ट टाइम मैं लगा रही हूँ, ज़्यादा लगाती नहीं हूँ। और एक देखिए फूल गोभी, ये अब ये मेरे को डाउट हो जाता है, मतलब ये देखिए अब ये है, ये खाद है देते हुए, तो कई बार ऐसा लगा कि ये खाद ही है शायद,
लेकिन ये एफिड्स हैं लग रहा है। और कोई बात नहीं, मैं इसमें स्प्रे करके आपको दिखाऊंगी थोड़े दिनों में, ये सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये पत्ता गोभी लगाई हुई है, और ये देखिए टमाटर के पौधे। अब ये देखिए टमाटर का पौधा है, दिया दिखाती है पास से, मैं ज़्यादा हाथ नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने एफिड्स को हाथ लगाया था। तो ये देखिए इसमें कई टमाटर उग रहे हैं, ये देखिए यहाँ ये गुच्छे में है टमाटर, ये पूरे मैं ही लगा ही लेती हूँ, इसको दिखाना नहीं आ रहा। ये देखिए ये गुच्छे में 1 2 3 4 टमाटर एक साथ ये देखिए लगे हुए हैं, और ये भी हैं। और उधर वो जो शिमला मिर्च के पौधे लगाए थे, एक ये लगे हुए हैं टमाटर, देखिए। और अभी ये शिमला मिर्च के पौधे छोटे हैं, ये छोटे हैं इसका मतलब अभी इनमें कैल्शियम की ज़रूरत है, इनको थोड़ा सा इनके चारों तरफ DAP और थोड़ा सा कैल्शियम डालना पड़ेगा। कैल्शियम में आप चॉक का पाउडर डाल सकते हैं, जो ब्लैक बोर्ड पे चॉक लिखते हैं उसका पाउडर डाल सकते हैं, या बोन मील भी अच्छी रहती है। अल भी होने शुरू हो गए हैं थोड़े से टमाटर, बैंगन में फूल आने शुरू हो गए हैं देखिए। अब जैसे जैसे इसमें बैंगन बनेंगे और दिखा दूंगी मैं आपको। 2-3 पौधे लगाए हैं बैंगन के मैंने अलग अलग तरह के, और सब में छोटे छोटे फूल आ रहे हैं। अब इनमें इनका साइज़ अभी बढ़ नहीं रहा है, तो इसका एक रीज़न ये है कि एक तो इसको मैं NPK 19-19-19 दूंगी, और साथ में थोड़ा कैल्शियम सप्लीमेंट दूंगी इसको। कैल्शियम के लिए आप बोन मील दे सकते हैं, चॉक का पाउडर दे सकते हैं, वो अच्छा रहता है। जिप्सम बहुत अच्छा रहता है, थोड़ा सा 1 चम्मच जिप्सम दे दें आप सब्जियों के पौधों को, 1-1 चम्मच, जब एक सीज़न में एक बार बस, तो वो उससे कैल्शियम की कमी ठीक हो के इनमें फल जो झड़ते हैं वो प्रॉब्लम, या फलों पे जो है ना जैसे टमाटर में जला जला सा ब्राउन स्पॉट पड़ जाते हैं, वो सब नहीं होता है अगर कैल्शियम इनको अच्छी मिलती रहे सब्जियों को। और कुछ व्यूअर्स ने पूछा था कि आपने इस बार अपने फ्लॉक्स नहीं दिखाए, तो देखिए फ्लॉक्स अभी छोटे छोटे हैं पौधे, और ये तैयार होने वाले हैं। और ये देखिए कितने छोटे छोटे में गेंदे, कितने सुंदर लगे हुए हैं, वो वाला भी कितना छोटा पौधा है ये देखिए, इतना सा, और कितनी कलियां आई हुई हैं। और ये देखिए, और ये लगा हुआ है बथुआ, बथुआ तो वीड ही होता है एक तरह से। और ये गेंदे छोटे छोटे पौधों पे, वो इसलिए छोड़े हुए हमने कि उसमें से बीज के लिए रखेंगे। और ये येलो वाला देखिए, इसमें कितने छोटे से पौधे में 7 फूल आए हुए हैं, इतने छोटे से पौधे में देखिए आप, इतना खूबसूरत है। ये तो बिल्कुल ही छोटा सा पौधा है, देखिए ऐसे लग रहा है ये 2 फूल जमीन में लग गए हुए हैं बहुत ही छोटा सा पौधा है ये। और ये फ्लॉक्स देखिए फिर से, अभी बस थोड़े दिन रुक जाइए, 10-1 दिन में ये फ्लॉक्स इतने भर जाएंगे इस क्यारी में कि आपको ये जो मिट्टी दिख रही है ना क्यारी की, ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिखेगी। ये देखिए आने शुरू हो गए हैं, ये पीछे भी फ्लॉक्स लगे हुए हैं, और ये पालक का पौधा लगा हुआ है। तो फ्लॉक्स ये देखिए छुटकू से पौधे में, फिर इतने से में देखिए कितना सा पौधा है ये, और इसमें फूल देखिए आ रखे हैं। तो फ्लॉक्स का सीज़न जो है ना बाद में लेट आता है, बसंत पंचमी के बाद, मतलब एंड ऑफ फेब्रुअरी आता है ये। तो अब ये जो है अब इनमें फ्लावरिंग शुरू हुई है, तो जब ये पूरे क्यारियाँ भर जाएंगी तो फिर मैं एक बार दिखाऊंगी आपको। ये देखिए डहेलिया जमीन में कितने खूबसूरत और फ्रेश लगते हैं। गमलों में इतने, गमलों में क्या होता है कि लग भी सकते हैं नहीं भी लग सकते, लेकिन ज़मीन में ज़्यादा हेल्दी लगते हैं। मैं हर बार देखती हूँ ज़मीन पे जो है वो डहेलिया ज़्यादा अच्छे खिलते हैं। ये देखिए ये जो मैंने कटिंग कलांचू की लगाई थी, अभी टॉप टेरेस पे भी मैंने जब घर की कटिंग वाले कलांचू खिलेंगे तो देखिए कितना खूबसूरत कलर है। ये सारी कटिंग है कलांचू की, और देखिए इनमें सब में अब ये आने ज़्यादा एक्चुअली ये कटिंग्स बहुत पास लगाई हुई है ना, अगर ये थोड़ी सी दूर करें तो इनमें और फ्लावरिंग हो अच्छी तरह। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है इसमें। ये एक और गजानिया है, अभी इसमें ये यहाँ पर इतनी धूप नहीं आ रही है इसलिए इसमें अभी
ये कली आई है, फूल नहीं खिला है अभी। तो ये कुछ सीजनल प्लांट्स और सब्जियां लगी हुई हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।